Hi guys, welcome back to my channel For the Tour. Today I am sharing with you how to make coconut jaggery laddu, a very easy and traditional snack made with fresh coconut and jaggery. So let's get started. इसके लिए आपको चाहिए एक फ्रेश नारियल जिसको मैंने बीच में से काट के और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है. कट करने के बाद इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कटोरी फ्रेश कोकोनट लिया है. आप कोई भी एक ही चीज़ से मेज़र कर सकते हैं, मतलब एक ही जैसी कटोरी या फिर मेजरिंग कप से भी मेज़र कर सकते हैं. और इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, इसको मैंने चाकू की हेल्प से काट लिया है. और अगर आप अपने वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे बिना किसी गिल्ट के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वेट गेन करेगा. और अब मैं लूँगी एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी एक चम्मच देसी घी. देसी घी थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा उसमें मैं डाल दूँगी अपने ये बादाम. इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ताकि बादाम का कच्चा फ्लेवर ना रहे. बादाम को रोस्ट करने के बाद इसको मैं अलग से निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी सारा का सारा फ्रेश कोकोनट. कोकोनट डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाऊँगी, या फिर जब तक थोड़ा सा कोकोनट ब्राउन ना हो जाए तब तक. एक तो अब आप देख पा रहे हैं कि कोकोनट का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है. इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए. तो इसको मैं अब निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी हाफ कटोरी जैगरी जिसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है. गुड़ को कढ़ाई में डालने के बाद उसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच के करीब पानी. पानी डालने के बाद ये गुड़ को थोड़ा सा पकाना पड़ेगा. जैसे ही गुड़ में थोड़ा सा बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और देख लेंगे हम कि मतलब कि ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो जाए गुड़. कोई तार नहीं बनानी है गुड़ में, अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा स्टिकी करना है गुड़ को. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुड़ में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और इसको हम देखेंगे थोड़ा सा चेक करके. थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा क्योंकि अभी गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड से ही लेके चेक करूँगी गुड़ को कि ये स्टिकी हो गया है. इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस यही इसकी चाशनी देखनी है. इसमें कोई तार नहीं है, बस थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी है. अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी पूरा का पूरा फ्रेश कोकोनट और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी. और यहाँ पर इसके साथ ही मैं डाल दूँगी जो ये मैंने बादाम रोस्ट किए थे वो भी साथ में ही डाल दूँगी. इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको तब तक थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इन सबको जब तक कि इसका थोड़ा सा स्टिकीपन दूर ना हो जाए. मतलब कि ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है ये स्टिकी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना स्टार्ट हो जाए. मतलब 2 से 3 मिनट आप इसको अच्छे से पका सकते हैं. ऐसा हार्ड हो जाए इसको अलग से प्लेट में निकाल के आप इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें. या ध्यान रहे कि लड्डू छोटे ही बनाएँ ताकि आप ओवर हीट ना कर पाएँ. और ये था मेरा आज का वीडियो. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.